इधर से दोस्तों हमारे लैला मजनू दोस्तों बाहर आएंगे, इधर से घूमते घूमते दोस्तों इसके ऊपर जाएंगे, इधर दोस्तों सीधा स्विमिंग पूल में। इस वाली मटकी के अंदर दोस्तों एक स्पैरो को दोस्तों जाते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मित्र तो आप सब कह रहे होंगे दोस्तों आज मैं अभी मिनी जू में दोस्तों आया हूं। और दोस्तों ये देखे हमारे 2 केजेस माशाल्लाह से इधर पड़े हुए हैं और बाकी दोस्तों हमारे 2 केजेस दोस्तों अंदर है। हमारे लैला मजनू दोस्तों फिलहाल अंदर ही है क्योंकि आज दोस्तों सर्दी काफी ज्यादा है। अभी दोस्तों फिलहाल जल्दी से ना अपने पिजन्स को दोस्तों खोल देते हैं। अभी दोस्तों अपने ना सारे के सारे पिजन्स को दोस्तों बाहर निकाल देते हैं क्योंकि दोस्तों काफी दिन हो गया ना हमने इनको बाहर नहीं निकाला। पानी दोस्तों मैंने इधर रखा हुआ है और डाइट दोस्तों मैंने इनको पहले ही डाल दिया है। माशाल्लाह दोस्तों हमारे सारे के सारे पिजन्स दोस्तों बाहर आ रहे हैं। हमारा चुटकू दोस्तों फ्लाइंग करना शुरू हो गया। जब तक दोस्तों हमारे पिजन्स खुले हैं दोस्तों हम अपनी चुटकी और मिली को दोस्तों पैरट सिटी के अंदर ही छोड़ देते हैं। देखे दोस्तों माशाल्लाह ना बूढ़े में दोस्तों काफी ज्यादा ये ना खुश है। माशाल्लाह एक तो सर्दी भी नहीं लगती और ये काफी ज्यादा दोस्तों इंजॉय भी करती है। दोस्तों दरवाजा मैं बंद कर लूँ वरना इन्होंने बाहर निकल जाना। अभी दोस्तों मैं भी ना जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ। ये वाला बुढ़ा दोस्तों हमने ना अंदर डाला था, ये देखे दोस्तों बाहर भी गिरी जा रहा है साथ ही साथ। जैसे हम पिंजरे अंदर बाहर करते हैं ये भी साथ में निकल जाता है। ये देखे दोस्तों हमने मुर्गियों को बाहर निकाल दिया। लैला मजनू दोस्तों फिलहाल आज के लिए अंदर ही रहे दोस्तों, अभी सर्दी काफी ज्यादा है इनको बाहर नहीं छोड़ सकते। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे पिजन्स ना आजकल दोस्तों मट्टी खाना काफी ज्यादा शुरू हो गए हैं। ये देखे दोस्तों द्वार से उतार उतार कर मट्टी खा रहे हैं। और ये देखे माशाल्लाह दोस्तों फ्लाइंग चेक करें हमारे छुटकू की, माशाल्लाह कितना ज्यादा दोस्तों फ्लाइंग करना स्टार्ट हो गया ये। अभी दोस्तों हमारे पिजन्स ने ना इधर नहाना स्टार्ट कर देना दोस्तों। आगे स्मोक काफी ज्यादा और सर्दी भी काफी ज्यादा हो रही है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता जल्दी से ना मुर्गियों को खोल देते हैं और पिजन्स को दोस्तों बंद कर देते हैं। पहले जी दोस्तों हमने ना अपने पिजन्स को बंद कर दिया है, बारी बारी कर अपनी मुर्गियों को खोल देते हैं। अब दोस्तों मैंने सोचा क्या दोस्तों, जो हमारा रैबिट हाउस है ना माशाल्लाह दोस्तों इसके ऊपर हमने करना क्या दोस्तों, हमने ना सीमेंट के साथ दोस्तों इसके ऊपर लेप कर देना ताकि दोस्तों इसकी खूबसूरती में ना और ज्यादा इजाफा आ जाए। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि ये हमारे मोटू पतलू का हाउस था दोस्तों, जो कि ना इस दुनिया में अभी फिलहाल नहीं रहे दोस्तों। हमारा रैबिट हाउस बिल्कुल खाली हो चुका है। और ये दोस्तों हमारा डक्स टाउन है दोस्तों, जो कि हमारी लैला मजनू का दोस्तों, इसका काम भी ना आज हमने माशाल्लाह से स्टार्ट कर दिया है। इसका आज हमने क्या क्या वर्क किया दोस्तों ये भी मैं आपको ठहर के बताऊंगा। तो अभी यार बारी है हमारे सुल्तान की और दोस्तों हमारे कालू की। तो दोस्तों बिना देर किए दोस्तों इनको ना जल्दी से ना खोल देते हैं ताकि दोस्तों ये भी ना बाहर ना वॉक वगैरह कर सके। चलो भाई सुल्तान और कालू जल्दी से ना तुम बाहर आ जाओ। और अभी दोस्तों चिल्ली की और 2 चूजों की बारी रहती है। तो अभी यार मैंने ना अपनी ब्राउनी कालू को और दोस्तों हमने ना चिल्ली को भी खोल दिया। चिल्ली बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि दोस्तों सुल्तान इस वक्त खुला हुआ है। और अभी दोस्तों हम ना एक ये वाले चूजे ने और दोस्तों एक ये वाले चूजे ने दोस्तों बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है दोस्तों। जैसे ही खोलते हैं झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, पता है इनकी आपस में क्या हुआ है। पहले बिल्कुल सही थे यार, अभी ना ये झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यार मैंने फाइनली चुटकी और मिली दोनों को दोस्तों खोल दिया। अब सब पेट्स दोस्तों खुल चुके हैं। माशाल्लाह चिली भी आ गया यार। तो 5 मिनट पहले दोस्तों मुझे एक सैड न्यूज मिली है दोस्तों, भी मैंने यूट्यूब खोला ही है दोस्तों। इंदी भाई ने कम्युनिटी टैब में लगाया हुआ था कि यार उनके बेटे उस्मान की जो है ना वो डेथ हो गया है। अल्लाह पाक उनकी फैमिली को जो है सबर अता फरमाए और इंदी भाई को भी सबर अता फरमाए यार। अल्लाह पाक उनके बेटे को ना जन्नतुल फिरदौस के बागों में से बाग अता फरमाए यार। मतलब मुझे काफी ज्यादा ये खबर सुनकर दुख हुआ है। अभी 5 मिनट पहले मुझे ये खबर दोस्तों सुनने में आई है दोस्तों, मैंने देखा भी है। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मेरे एक फ्रेंड का दोस्तों मैसेज आया था। फिर दोस्तों मैंने जब इंदी भाई का चैनल खोला तो कम्युनिटी ऐप में उन्होंने ना ये वाली पोस्ट लगाई हुई थी यार। बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ। फिलहाल यार यही मैंने आपको बताना था कि काफी ज्यादा दोस्तों ये बुरी खबर है और अल्लाह पाक उनकी जो है फैमिली को दोस्तों सबर दे, इंदी भाई को सबर दे और अल्लाह पाक मरहूम की जो है ना वो मगफिरत फरमाए दोस्तों। ये हमारा ना फिलहाल डक्स टाउन माशाल्लाह से बन गया है। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों इसको हमने ना किस तरह से मतलब डिजाइन किया, हमारी डक्स दोस्तों कहाँ पर रहेंगी, वो किस तरह से दोस्तों इसमें जो है ना एंजॉय वगैरह करेंगी। तो दोस्तों ये जो है ना डक्स का स्विमिंग पूल है और इधर दोस्तों उनका केज बनेगा इंशाल्लाह, जो कि दोस्तों अभी बन भी चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ना मतलब किस तरह से दोस्तों डक्स टाउन को डिजाइन किया दोस्तों। अभी फिलहाल हमने मिट्टी का बनाया है दोस्तों इंशाल्लाह। अभी हमारे पास सिरमट और ये तो दोस्तों आ चुकी है, लेकिन आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये वाली जो चीज है ना, ये देखिए अभी गीली है दोस्तों, मट्टी सारी गीली है। इसके ऊपर हम सिरमट का दोस्तों लेप करेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी सिरमट का दोस्तों लेप करेंगे। एक तो ये पक्का भी हो जाएगा और दूसरा दोस्तों इसमें से ना लीकेज भी नहीं होगी। पहले शॉप पर रखेंगे और फिर दोस्तों सिरमट का लेप कर देंगे इंशाल्लाह दोस्तों। आज दोस्तों मैं आपको ना इसके ऊपर केज रख के दिखाता हूँ दोस्तों हमारे डक्स टाउन की लुक दोस्तों कैसी आ रही है। ये वाला केज दोस्तों इंशाल्लाह हम ना अपने लैला मजनू को देंगे दोस्तों, उधर रखते हैं ये केज। और फिर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये केज दोस्तों अपने डक्स टाउन में कैसा लग रहा है। तो ये देखिए फाइनली दोस्तों हमारे ना डक्स टाउन में ये वाला केज दोस्तों कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये वाला केज हम ना परमानेंट इधर शिफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह, सीमेंट के साथ पक्का कर देंगे। फिर दोस्तों हमारी डक्स का ये वाला परमानेंट केज हो जाएगा। इसके ऊपर दोस्तों हम ना शोपर वगैरह लगा के दोस्तों प्रॉपर एक छत बना देंगे ताकि दोस्तों बारिश से भी ना इनको कोई खतरा ना हो। और रात को दोस्तों हम लैला मजनू को इधर से पकड़ कर अंदर शिफ्ट कर देंगे। इधर से दोस्तों हमारे लैला मजनू दोस्तों बाहर आएंगे, इधर से घूमते घूमते दोस्तों इसके ऊपर जाएंगे, इधर दोस्तों सीधा स्विमिंग पूल में। और ये दोस्तों काफी ज्यादा
अच्छा घर बन जाएगा इंशाल्लाह दोस्तों। इसके ऊपर फिर दोस्तों हम ना एक इधर हट बनवाएंगे इंशाल्लाह, और एक ही दोस्तों रैबिट हाउस के ऊपर बन जाएगी। फिर दोस्तों बिल्ली से भी हमारा कोई खतरा नहीं होगा। ये देखें यार, चुटकी ने सारा का सारा काम खराब कर दिया यार। ये देखें इसके काम चेक करें यार, ये देखें। तो अभी दोस्तों मैं ना ये वाला ना फिर से सही करना पड़ना यार, इतनी मेहनत के मैं सुबह से लगा हुआ हूँ दोस्तों इसको लेप करने में, और चुटकी ने आगे दोस्तों एक मिनट लगाया दोस्तों इसको खराब करने में। ये देखें यार सूख जाएगा, तो फिर दोस्तों अपना सीमेंट के साथ इसको पक्का कर देंगे। तो चिल्ली को दोस्तों मैंने ना फिलहाल अंदर बंद किया हुआ है दोस्तों, अभी सुल्तान को इधर बंद कर देते हैं और चिल्ली को दोस्तों थोड़ी देर खोल देते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों ये वाले चूजे को ना हम थोड़ी देर बाहर निकाल देते हैं। चलो भाई तुम बाहर, और दोस्तों हमारा ब्लैक वाला चूजा ये वाला दोस्तों इसको हम अंदर कर देते हैं, क्योंकि वरना ना इन्होंने दोस्तों झगड़ा स्टार्ट कर देना, और मैं नहीं चाहता यार इनका ना झगड़ा हो। बेचारे बेजबान जानवर है यार। ये तो चेक करे यार हमारे डक्स टाउन की दोस्तों लुक तो चेक करे दोस्तों। अभी तो हमने इसको सीमेंट के साथ प्लस्तर भी करना है। तो शाम का टाइम दोस्तों हो गया है, अभी दोस्तों करते हैं क्या है कि अपने सब पेट्स को दोस्तों पकड़ते हैं और दोस्तों बारी बारी ना बंद करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों हमने ना कालू को और सुल्तान को दोस्तों इसमें शिफ्ट कर दिया, जल्दी से दोस्तों इनको ना अंदर रख देते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस केज को ना दोस्तों हमने इधर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल ना हमने ना इसमें मुर्गे बंद करने हैं। कल इस केज को दोस्तों इंशाल्लाह इधर पक्का पक्का शिफ्ट कर देंगे। चलो भाई तुम भी अंदर। दोस्तों सब पेट्स को ना दोस्तों मैंने अंदर बंद कर दिए, अब दोस्तों इनको ना इनकी जगह पे शिफ्ट करते हैं। तो अभी यार मैं ना पैरट सिटी के अंदर आ चुका हूँ दोस्तों। अभी हमने ना चिली को दोस्तों पकड़ना है दोस्तों इधर शिफ्ट करना है, इन दो मुर्गियों को पकड़ना है दोस्तों इस केज में शिफ्ट करना है, और इन दो चूजों को दोस्तों चिली के साथ शिफ्ट करना है। जल्दी से दोस्तों मैं ना इन सबको शिफ्ट कर लूँ, फिर दोस्तों हम ना अपनी लैला मजनू की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ना अपने सब पेट्स को दोस्तों इनके केजेस में दोस्तों इनकी जगह पर बंद कर दिया है। अब बारी है जी दोस्तों हमारे लैला मजनू की। तो चलो भाई मजनू तुम बैठ माशाल्लाह से। लैला माशाल्लाह दोस्तों लैला की भी ग्रोथ काफी अच्छी है, और मजनू कहाँ गया है, मजनू कहाँ गया, ये है दोस्तों मजनू माशाल्लाह। मजनू की ग्रोथ तो दोस्तों काफी ज्यादा ना अच्छी हो रही है दोस्तों, जब हमारे पास आया तो छुटकू सा था, अब देखे दोस्तों इसकी ना ग्रोथ काफी ज्यादा दोस्तों अच्छी हो रही है। चलो भाई मजनू तुम भी बाहर, और लैला माशाल्लाह देखें यार इनके साथ मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है यार। फिलहाल दोस्तों हमने अपने क्यूट क्यूट से ना दोस्तों डक्स को ना पानी में नहीं छोड़े, क्योंकि सर्दी काफी ज्यादा है। वैसे ना इनका हम ना पाउंड बना रहे हैं माशाल्लाह। मजनू तुम्हारा पाउंड बन रहा है यार, तुम्हें पता है तुम्हारा पाउंड बन रहा है यार। इंशाल्लाह दोस्तों जब पाउंड हमारा कम्प्लीट होगा दोस्तों, स्विमिंग पूल कम्प्लीट होगा मजनू तुम्हारा, फिर तुम्हें हम छोड़ेंगे दोस्तों। ये देखे माशाल्लाह कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं दोस्तों, मेरे हाथों से ना रोटी खा रहे हैं माशाल्लाह से। और मैं ना इनको अपने हाथों के साथ दोस्तों डाइट खिला लूं, फिर दोस्तों हम अपने पिजन्स को भी डाइट डालेंगे और इनको दोस्तों कवर कर देंगे। तो ये वाला दाना दोस्तों मैं ना इनके लिए ना कल लाया था यार, ये कल का ना ऐसे ही पड़ा हुआ है। जल्दी से ना इनको ना बाल्टी में हम डाल लेते हैं। ये ले दोस्तों ये बड़ा वाला चोपड़ा आ गया, इसको भी दोस्तों हम बाल्टी में डाल लेते हैं, मुझे बाल्टी में डालना ही भूल गया यार। ये ले दोस्तों अपना हमारा दो तीन दिन का दाना इजिली निकल जाएगा। अभी दोस्तों मैंने अपने सारे पेट्स को ना अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों डाइट वगैरह डाल दी है। अभी दोस्तों जरा पिजन रहते हैं, पिजन को भी दोस्तों डाइट वगैरह डाल दिए, और फिर दोस्तों इन सबको दोस्तों कवर कर देते हैं। तो ये ले दोस्तों हमने ना अपने पिजन्स को ना शाम की डाइट भी माशाल्लाह डाल दी है, अभी दोस्तों इनको बंद कर देते हैं। तो ये देखे दोस्तों मैंने अपने पिजन्स को भी दोस्तों कवर कर दिया दोस्तों, अपने सारे के सारे दोस्तों पेट्स को भी माशाल्लाह से ना मैंने दोस्तों कवर कर दिया दोस्तों। एक गुड न्यूज अभी अभी दोस्तों मुझे ये मिली है कि दोस्तों ये वाली जो हमारी मटकियां थी ना दोस्तों, इनमें से दोस्तों जंगली वाइल्ड परिंदे दोस्तों आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी दोस्तों मैंने ना इस वाली मटकी के अंदर दोस्तों एक स्पैरो को दोस्तों जाते हुए देखा है। इंशाल्लाह दोस्तों बहुत जल्द वो नेस्टिंग करेगी, और इधर दोस्तों अंडे बच्चे आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी दोस्तों आपने देख तो लिया है कि हमारा डक्स टाउन माशाल्लाह काम स्टार्ट हो चुका है। आज दोस्तों हमने ये भी कर दिया, कल दोस्तों हम ना इंशाल्लाह सीमेंट के साथ प्लस्तर करेंगे, और फिर दोस्तों वो वाला केज इसमें पक्का पक्का शिफ्ट कर देंगे। परसों दोस्तों हम इंशाल्लाह इसमें पानी छोड़ेंगे, और फिर दोस्तों इसमें ना डक्स भी छोड़ देंगे। तो बाकी दोस्तों यही थी हमारी आज की प्यारी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर दबा के करना, और आपके अपने चैनल विलीद बर्ड फैमिली को सब्सक्राइब भी दबा के करना। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।